हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं क्लास ग्रामी की छोटे छोटे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेसिक बातें बताई जाएगी और इस वीडियोज को आप लोग धीरे धीरे देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को टॉपिक समझ में आते रहे। जैसे दोस्तों, हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया, हम लोग और बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी प्रकार से सिलेबस ख़त्म करने की बात मैं कर रहा हूँ कि आज से मैं ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको छोटा सा एक शब्द सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में जो मेन फंडा है परमाणु संख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोगों को कम से कम केमिस्ट्री अगर समझना चाहते हैं 11वीं क्लास के, तो आप लोग क्या करना है दोस्तों कि परमाणु संख्या कम से कम 1 से लेकर के 50 तक अगर आपसे हो सके तो उसको याद कर लीजिए। ऐसा याद कीजिए कि आपको कहने का मतलब अपने जुआ पर हो किसी प्रकार के। आप लोगों को पता है कि एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, जबकि जो हमारा टीना है जो बोलते हैं दोस्तों, तो आपको अगर बोला जाए KCG टीना, तो टीना के बारे में आप लोग नाम सुनते होंगे। टीना जो टीन जो होता है SN, उसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। तो हाइड्रोजन से लेकर के टीन तक आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एटॉमिक नंबर कहने का मतलब याद कर लेना है किसका, आपको परमाणु संख्या पूरे तत्व का, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, इस तरह से। तो हम लोग को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन बोलते हैं तो बोलते हैं कि परमाणु संख्या 1 है, लिथियम बोलते हैं तो बोलते हैं कि परमाणु संख्या 3 है। अगर कोई बोलता है कि जी हमारे पास बोला कि जी सोडियम है, तो सोडियम के लिए आप लोग बोलते हैं कि जी हमारे पास परमाणु संख्या उसका कितना है, 11। तो 11 जब बोल रहा है तो उसको बोलते हैं कि उसका परमाणु संख्या कहने का मतलब जब 11 है तो वह तत्व हमारा सोडियम है। लेकिन हम लोग को क्या है दोस्तों कि कुछ जब तत्व हैवी तत्व है, जो कहने का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको कहने का मतलब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 से 100 से अधिक है, मतलब 100 से जिस तत्व का एटॉमिक नंबर अधिक है दोस्तों, उस तत्व के लिए हम लोग को थोड़ा सा केमिस्ट्री में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भिन्न भिन्न देशों में, अगर अलग अलग देशों में जाइएगा तो एक तत्व के ही भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। तो इसी समस्या को देखते हुए क्या किया गया दोस्तों, आप लोग को जानकारी होती होना चाहिए कि केमिस्ट्री का एक संस्था है जिसको बोला जाता है IUPAC। तो केमिस्ट्री का एक संस्था है दोस्तों जिसको बोलते हैं हम लोग IUPAC। क्या बोलते हैं? IUPAC, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो एक प्रकार की संस्था है जो दोस्तों, जिसका कहा जाए तो जिसका जो मुख्यालय है, जो कहने का मतलब हेडक्वार्टर है, वो आपको जेनेवा में है। तो जेनेवा में इसका IUPAC एक संस्था है। तो केमिस्ट्री में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी कहने का मतलब चेंजिंग आते हैं, तो इसका कहने का मतलब आपको बोला जाए कि जो भी चेंजिंग आ रहे हैं तो इसको आपको प्रमाणित करने के लिए, इसको कहने का मतलब प्रूफ करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए हम लोग IUPAC जो सिस्टम है इसी का सहारा लेते हैं। तो IUPAC के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। जो IUPAC का नाम अगर बोला जाए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है दोस्तों। और हम लोग इस टॉपिक में, कहने का मतलब इस वीडियो में, हम लोग वैसे तत्व का एटॉमिक, मतलब वैसे तत्व का हम लोग नाम और संकेत पढ़ने जा रहे हैं जिसका कहा जाता है कि परमाणु संख्या लिखा गया है कि Z greater than 100, जिसका परमाणु संख्या 100 से अधिक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज मोर देन 100, तो जिस तत्व का परमाणु संख्या 100 से अधिक है, तो वैसे तत्व का हम लोग एलिमेंट का नाम पढ़ने जा रहे हैं, उसका सिंबल पढ़ने जा रहे हैं, संकेत पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि 100 से अधिक वाले तत्व को क्या यहाँ पे हो रहा है कि बहुत सारे देशों में, मैंने आपको बताया कि भिन्न भिन्न देशों में हम लोगों को क्या हो रहा है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम है, तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए IUPAC ने, कहने का मतलब, एक सिस्टम बनाया। तो सिस्टम के तहत आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इसमें आपको लिखा गया है पहले तो 100 से अधिक माने 101 हो जाएगा, 102, 103, 104, 105, बहुत सारे आपको परमाणु संख्या मिल जाएंगे। हम लोग ऐसे जानते हैं कि हमारा पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व है। तो जो 118 तत्व है दोस्तों, तो 118 तत्व में हम लोग 100 से अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व का, मतलब 100 से अधिक एटॉमिक नंबर वाले तत्व का हम लोग संकेत और, कहने का मतलब, नाम पढ़ने के लिए सीख रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए किसी भी अगर नंबर का निर्माण करना होता है तो हम लोग डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। अगर 100 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, अरब खरब जो भी हो, तो सभी का इस्तेमाल करने के लिए इसका सहारा जो लेते हैं, इन्हीं डिजिट का सहारा लेते हैं। इसमें डिजिट आपको पता है कि आपको 10 होते हैं डिजिट की संख्या, आपको लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों
एक डिजिट आपको यहाँ पे जीरो से शुरू किया हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं तो 9 तक आपको डिजिट है दोस्तों। तो इस डिजिट का यूपीएससी ने कुछ स्पेशल नाम दिया है, तो आपको लिखा गया है यहाँ पे जीरो जब डिजिट है तो इस जीरो को क्या कहते हैं, तो जीरो को यहाँ पे कहा गया दोस्तों आपको 2-3 बार हमारे साथ साथ आपको बोलना है ताकि आपको इसमें याद हो जाए। तो हमने बोला कि यदि डिजिट हमारा जीरो रहेगा तो इसका नाम बोलते हैं कि नील है, क्या बोलेंगे नील। अगर डिजिट हमारा जीरो है दोस्तों तो इसका नाम पढ़ेंगे नील, और यदि डिजिट हमारा वन है तो इसका नाम पढ़ते हैं अन, क्या पढ़ेंगे अन। जीरो है तो नील पढ़ेंगे, वन है तो अन पढ़ेंगे, टू है तो बाई पढ़ेंगे, तीन है तो ट्राई पढ़ेंगे, चार है तो क्वाड, QUAD क्वाड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्वाड पढ़ेंगे। और यदि पांच है तो पेंट पढ़ा, छह है तो हेक्स पढ़ा, 7 है तो सेफ्ट पढ़ा, 8 है तो ऑक्ट पढ़ा, 9 है तो EN जिसको इन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे इन, क्या बोलेंगे इन। तो आपको इसको पुनः सुन लीजिए, अगर डिजिट हमारा जीरो है तो नील बोलेंगे, वन है तो अन बोलेंगे, टू है तो बाई बोलेंगे, तीन है तो ट्राई बोलेंगे, चार है तो क्वाड बोलेंगे, पांच है तो पेंट बोलेंगे, छह है तो हम लोग का हेक्स बोलेंगे, और यदि स्टार्ट है दोस्तों तो इसको हम लोग सेफ्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे सेफ्ट बोलेंगे, आठ है दोस्तों तो हम लोग ऑक्ट बोलेंगे, नौ है तो हम लोग इसको नॉन बोलेंगे, तो नौ है दोस्तों तो इसको हम लोग इन बोलते हैं। तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना क्या है दोस्तों, हम लोग अगर बात करें तो जीरो को नील बोला, वन को अन बोला, दो को बाई बोला, तीन को ट्राई बोला, चार को क्वाड बोला, पांच को पेंट बोला, छह को हेक्स बोला, सात को सेफ्ट बोला, आठ को ऑक्ट बोला, नौ को इन बोला। अब इसका संकेत कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यदि आपको जीरो है डिजिट लिखा हुआ तो इसका जो फर्स्ट लेटर है नेम का फर्स्ट लेटर उठा लेंगे तो ये आपका सिंबल बन जाएगा, संकेत बन जाएगा। अब देखिए तो नील अन बाई ट्राई क्वाड, नील अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्सेप्ट ऑक्ट इन, तो बोलते हैं दोस्तों नील अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्सेप्ट ऑक्ट इन। तो सिंबल कैसे लिखेंगे, तो सभी का जो प्रारंभिक लेटर है शुरू वाला जो अक्षर है इसको हम लोग सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों जब तत्व का हम लोग नाम लिखने के लिए चलते हैं तो नाम में हम लोग एक सफिक्स यूज करते हैं, उस सफिक्स का नाम है दोस्तों क्या यूज करेंगे, तो लास्ट में हम लोग को IUM जोड़ना पड़ता है, क्या जोड़ना पड़ता है IUM, क्या जोड़ेंगे IUM। अब देखिए आपको आसानी पूर्वक अब नाम लिख सकते हैं किसी भी तत्व का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों आपको लिखा गया है एटॉमिक नंबर 101 101 लिखा गया है, तो आपसे पूछा जाए कि हमारे पास एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 101 है, तो 101 परमाणु संख्या वाले तत्व का नाम क्या होगा और संकेत क्या होगा, नाम क्या होगा और संकेत क्या होगा। तो आपको देखिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ एक एक करके आपको समझना है, धीरे धीरे आपको प्रारंभिक क्लास चल रहा है दोस्तों आपको समझ में आएंगी, सारी बातें समझ में आएंगी, एक बार दो बार वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में ऐसे आ जाना चाहिए। हमने आपको बोला कि परमाणु संख्या अगर 101 है, 101 है तो 101 है तो इसका नाम लिखना है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जी परमाणु संख्या 11 है तो उसका नाम होता है सोडियम, परमाणु संख्या बोलते हैं कि 20 है तो उसका नाम होता है कैल्शियम, क्या होता है कैल्शियम। लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि यदि परमाणु संख्या है 101 101 है दोस्तों, तो जब परमाणु संख्या 101 है तो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, तो एक के लिए आपको लिखा गया है कि एक के लिए आपको नाम है अन, एक का नाम क्या है अन, देखिएगा जब डिजिट हम लोग का एक है तो इसका नाम क्या है अन है, तो हमने लिख दिया दोस्तों वो वन जब डिजिट हम लोग को नजर आ रहा है तो यहाँ पे तत्व का नाम में लिखेंगे दोस्तों अन, क्या लिखा अन, तो वन के लिए लिखा हम लोग अन लिखा, तो वन के लिए हमने जो यूज किया इसको अन बोला दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या है डिजिट जीरो है, तो जीरो है तो इसका नाम क्या लिखेगा नील, तो अन नील, क्या लिखेगा अन नील। फिर से बोल रहे हैं वन है तो वन का नाम हो गया अन, जीरो है दोस्तों तो जीरो का नाम हो गया नील, तो अन नील, क्या लिखा अन नील। फिर वन है तो वन का फिर नाम क्या लिखेगा अन, तो अन नील अन, अन नील अन, सुन लीजिए वन था तो वन के लिए लिखा अन, जीरो है तो जीरो के लिए लिखा दोस्तों नील, तो अन नील। फिर वन है तो वन के लिए पुनः लिखा हम लोग अन, तो अन नील अन लिख लिए। और हम लोग सभी तत्व में जिस तत्व का परमाणु संख्या 100 से अधिक है उसके सभी के नाम के अंत में जो सफिक्स यूज करते हैं, जो लास्ट में प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स क्या प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है दोस्तों हम लोग का IUM, तो हम लोग को देखिए वन का लिखा अन, वन का लिखा अन, देख सकते हो वहां पे वन का लिखा अन, जीरो है तो जीरो का लिखा दोस्तों नील, फिर आ गया वन तो वन का लिखा अन,
अब सफिक्स क्या ऐड करेंगे, आई यू एम, तो पढ़ेंगे अनिल अनियम, अनिल अनियम, क्या लिखेंगे अनिल अनियम। अब देखिए दोस्तों, हमने बोला था कि तो आपका नाम हो गया 101 का नाम क्या है, तो अनिल अनियम लिख दिए। अब आपसे अगर बोले इसका सिंबल क्या लिखिएगा, तो देख सकते हैं कि वन है तो वन के लिए सिंबल क्या है यू, अगर बोला जाए जीरो तो जीरो के लिए सिंबल है दोस्तों एन, क्योंकि बोला था हमने नेम का फर्स्ट लेटर सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, नेम का फर्स्ट लेटर सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं तो वन का सिंबल है दोस्तों यू, क्या लिखेंगे यू, तो हमने लिख दिया यू। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि हम लोग जब भी किसी तत्व का सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, उसके बाद वाला लेटर हम लोग स्मॉल लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है जबकि बाद वाला लेटर हम लोग स्मॉल लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने लिखा ओ वन तो वन का सिंबल है यू, फिर है हम लोग का जीरो तो जीरो का सिंबल है दोस्तों एन, तो बाद वाला है तो हम लोग स्मॉल में लिखेंगे तो एन लिख दिया, फिर है वन तो हम लोग यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, तो यू एन यू, यू एन यू, क्या लिखा यू एन यू, सिंबल हो गया किसका, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 101 का। तो बोला जाए कि जो एटॉमिक नंबर 101 है इसका नाम बताइए, तो वन का नाम हो गया अन, जीरो का नाम हो गया नील, वन का नाम हो गया अन, और जब हो गया सबका नाम तो सफिक्स लगाते हैं आई यू एम, तो आई यू एम लगा दिया। और यदि सिंबल लिखना है दोस्तों तो तीनों जो डिजिट हम लोग लिखते हैं, तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर सिंबल के रूप में लिखा जाता है, और सिंबल में पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है और बाद वाला लेटर हम लोग को स्मॉल लिखा जाता है। अब देखिए हमने सेकेंड एग्जांपल लिखा है दोस्तों, 102 लिखा है, 102 देख सकते हैं, तो वन का हम लोग नाम क्या लिखते हैं अन, तो वन का नाम लिखा दोस्तों अन, फिर लिखा है जीरो तो जीरो का नाम क्या है नील, तो लिख दिया अन नील, क्या लिखा अन नील, दो है तो दो का लिख सकते हैं बाई, तो अन नील बाई, अन नील बाई, क्या लिखा अन नील बाई, और सफिक्स लिखेंगे आई यू एम, लिखेंगे आई यू एम तो हो जाएगा अन नील बाई एम, अन नील बाई एम। अब इसका सिंबल क्या लिखेंगे, तो बोल रहे हैं कि तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, तो वन है तो वन के लिए नाम था अन, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है यू, तो वन का फर्स्ट लेटर हम लोग यूज किए यहाँ पे यू। अब यहाँ पे जीरो है तो जीरो का नाम होता है नील, और नील का फर्स्ट लेटर क्या है एन, तो यू एन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टू है, क्या है टू है, यहाँ पे हम लोग का जब टू है दोस्तों तो हम लोग टू की जब बात करेंगे तो टू को हम लोग बोलते हैं बाई, क्या बोलते हैं बाई, तो टू को जो हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों तो टू को हम लोग बोलते हैं बाई, क्या बोलते हैं बाई, जब टू को आप लोग बाई बोलते हैं तो यहाँ पे टू के जो बाई जब बोल रहे हैं हम लोग टू को, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा बी, तो यू एन बी, क्या हो जाएगा यू एन बी, बोलेंगे यू एन बी, क्या बोलेंगे यू एन बी, हम लोग बोल दे सकते हैं इसको दोस्तों यू एन बी, क्या बोला यू एन बी। अब आगे देखिए दोस्तों, लिखा गया है 103, परमाणु संख्या है 103, अब इसका नाम लिखना है, तो 103 का नाम हम लोग को लिखना है, तो 103 का नाम कैसे लिखेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ कि 103 है तो इसका नाम कैसे लिखेगा, तो वन का बोलिए कि नेम क्या होता है, तो वन का नेम होता है अन, तो हमने लिख दिया दोस्तों अन, जीरो का नाम होता है दोस्तों नील, तो लिख दिया अन नील, थ्री का नाम होता है दोस्तों ट्राई, तो अन नील ट्राई, अन नील ट्राई। जब सभी डिजिट का हम लोग क्या किए कि नाम लिख दिए तो सफिक्स लगाते हैं आई यू एम, आई यू एम, तो सफिक्स लगाएंगे दोस्तों आई यू एम, क्या लगाएंगे आई यू एम, तो आई यू एम हमने सफिक्स के रूप में इस्तेमाल कर दिया। अब इसका सिंबल लिखना है दोस्तों, तो सिंबल कैसे लिखेगा, तो पहला है आप दोस्तों यहाँ पे वन है, तो वन का हम लोग देख सकते हैं सिंबल क्या लिखे हैं, तो वन का सिंबल है यू, वन का सिंबल है यू, अब देख सकते हैं जीरो तो जीरो का सिंबल है एन, अब तीन है तो तीन का सिंबल है टी, हो जाएगा यू एन टी, यू एन टी, अब पहला लेटर लिखते हैं कैपिटल। अब लिखा गया 104, एटॉमिक नंबर है 104,
क्या है 104। तो एटॉमिक नंबर हम लोग का है दोस्तों 104। क्या है 104। हाँ दोस्तों, तो हम लोग का एटॉमिक नंबर है लिखा गया है 104। तो 104 लिखा गया है। तो वन का नाम देखिएगा, वन का नाम है दोस्तों अन। आप लोग दो तीन बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा, वन का नाम हो गया दोस्तों अन। जब जीरो है तो जीरो का नाम है दोस्तों नील, तो लिख दिया अन नील। क्या लिखा? अन नील। यहाँ पे फोर है दोस्तों, क्या है? फोर। तो फोर का देख सकते हैं, फोर का नाम है वहां पे क्वाड। क्या है? क्वाड। तो हमने लिख दिया क्यू यू ए डी, अन नील क्वाड, अन नील क्वाड। तीनों डिजिट का नाम लिखा गया, वन का हो गया अन, जीरो का हो गया नील, फोर का हो गया क्वाड। वन का हो गया अन, जीरो का हो गया नील, फोर का हो गया क्वाड। देख सकते हैं वन का है दोस्तों अन, जीरो का है नील, फोर का है क्वाड। अब हम लोग यहाँ पे सफिक्स लगाएंगे, तो सफिक्स क्या लगाते हैं? आई यू एम। तो सफिक्स लगा दिए आई यू एम, तो नाम पढ़ेंगे अन नील क्वाडियम, अन नील क्वाडियम। तो इसका संकेत कैसे लिखेंगे, सिंबल कैसे यूज करेंगे? तो तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, जो तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर होगा दोस्तों वही इसका सिंबल हो जाएगा। तो देखिए वन का फर्स्ट लेटर देख सकते हैं, वन को अन कहते हैं, तो अन का फर्स्ट लेटर है यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन के लिए सिंबल लिखा गया है यू। क्या लिखा गया है? यू। जीरो के लिए सिंबल लिखा गया है एन, जीरो के लिए सिंबल लिखा गया है एन। और फोर जब है तो फोर के लिए जो हम लोग का सिंबल लिखा गया है क्यू, तो हो जाएगा यू एन क्यू, यू एन क्यू। आगे देख सकते हैं आप 105 है, एटॉमिक नंबर जो 105 है दोस्तों, तो वन के लिए नेम क्या लिखते हैं? अन। वन का नाम क्या है? अब आप लोगों को याद हो चुका होगा, वन का नाम है अन, जीरो का नाम है नील, वन का नाम है अन, जीरो का नाम है नील। फाइव है तो फाइव के लिए आप लिखते हैं पेन, यहाँ पे हमने लिख दिया पेंट। अब सफिक्स यूज करते हैं आई यू एम, तो लिख सकते हैं आई यू एम, तो अन नील पेंटियम, अन नील पेंटियम। सिंबल क्या लिखेगा? तो तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, तो वन जो था तो वन का फर्स्ट लेटर यू है, अन का फर्स्ट लेटर यू है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं वन के लिए हम लोग लिखते हैं यू, जीरो के लिए लिखते हैं हम लोग एन, और पांच के लिए लिखेंगे हम लोग सिंबल के रूप में पी, तो यू एन पी हो जाएगा। हम लोग और एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको आप लोगों को देखना है दोस्तों अब किस तरह से हम लोग को लिखा जाता है। जैसे हमने आपको ये 106 लिखा, 107, अब आप लोग को जैसे 1010 से अधिक मैं ले रहा हूँ, जैसे आप लोग को 109 तक तो आपको लिखा जाएगा इसी आधार पे। जैसे आप लोग को यदि किसी ने कुछ और एग्जाम्पल दिया दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया 110, तो 110 तो एटॉमिक नंबर हम लोग का 110 है। तो एटॉमिक नंबर जब 110 है तो 110 के लिए देख सकते हैं कि फर्स्ट है वन, तो वन का नाम क्या है? तो अन। वन का नाम क्या है? अन। फिर वन आया तो वन का नाम फिर है अन। वन क्या नाम है? वन। फिर वन है तो अन नाम है। जीरो के लिए लिखेंगे नील, जीरो के लिए क्या लिखेंगे? नील। और सफिक्स यूज करते हैं आई यू एम, तो हो जाएगा अन अन नीलियम, बोलेंगे अन अन नीलियम। अब सिंबल क्या लिखेंगे? तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर हो जाएगा हमारा सिंबल। तो वन का हम लोग फर्स्ट लेटर यूज करते हैं यू, फिर वन है तो इसका फर्स्ट लेटर यू, और फिर जीरो है तो इसका फर्स्ट लेटर एन, तो यू यू एन, यू यू एन इसका सिंबल हो गया। 110 का नाम हो गया अन अन नीलियम। अब जैसे हमने लिख दिया 111, तो 111 यदि एटॉमिक नंबर है तो बताइए कि वन का नाम क्या है? अन। वन का नाम है अन, फिर वन आया तो फिर नाम है अन, फिर वन आया तो फिर नाम है वन का अन, हो जाएगा अन अन अन। अब फिर सफिक्स लगाएंगे दोस्तों लास्ट में आई यू एम, जब तीनों डिजिट का नाम लिखा जाएगा तो सफिक्स लगाएंगे आई यू एम। अब सिंबल कैसे लिखेंगे? तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, तो वन का हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट लेटर है दोस्तों यू, तो पहला लेटर लिखें कैपिटल। फिर वन है तो वन का है यू, तो फिर यू लिखा स्मॉल में। फिर वन है तो यू 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 आपको हो जाएगा 111 एटॉमिक नंबर का नाम अन अन अनियम, तो यू 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 इसका सिंबल हो जाएगा। जैसे आप लोग को मान लिया जाए 115 लिख दिया, 115 तो बोलिए वन है तो वन का क्या लिखेगा? अन। फिर वन आया तो लिखेंगे अन, फिर आया फाइव तो फाइव को लिखेंगे पेंट। देख सकते हैं फाइव को क्या लिखेंगे? पेंट। और लगाएंगे हम लोग सफिक्स के रूप में आई यू एम, तो अन अन पेंटियम, अन अन पेंटियम। सिंबल क्या लिखेंगे? तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, तो वन का फर्स्ट लेटर है दोस्तों यू, तो हमने सिंबल लिखा यू। क्या लिखा? यू। अब देख सकते हैं हम लोग आगे, फिर वन है तो वन का फिर सिंबल हमने लिखा यू,
फाइव है तो फाइव का सिंबल क्या है, पी, तो यू यू पी। एक और लिख दिया, जैसे हमने 118 एटॉमिक नंबर हम लोग का 118 है, तो बताइए 1 का क्या लिखेगा, बोलिए। 1 का लिखेंगे जी की अन, फिर 1 आया तो बोले कि अन, फिर बोले कि 8 है तो 8 का बोलते हैं ऑक, तो अन अन ऑक लिख दिए, सफिक्स लगाएंगे आई यू एम, तो अन अन ऑक्टियम। अब सिंबल क्या लिखेगा, तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर, तो 1 का फर्स्ट लेटर है दोस्तों यू, फिर 1 है तो 1 का फर्स्ट लेटर है यू, फिर 8 है तो 8 का फर्स्ट लेटर है ओ, तो यू यू ओ। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 117 एटॉमिक नंबर यदि हम लोग के पास 117 होता, 117 है एटॉमिक नंबर, तो इसका नाम बोलिएगा, तो जी 1 है तो 1 का लिखेंगे अन, देख सकते हैं 1 का लिखेंगे अन, फिर 1 है तो फिर लिखेंगे अन, 7 है तो 7 का लिखते हैं सेप्ट, क्या लिखेंगे सेप्ट, तो 7 का लिख दिया सेप्ट, और सफिक्स लगाते हैं आई यू एम, तो अन अन सेप्टियम। सिंबल क्या आ जाएगा, फर्स्ट लेटर, तो ये 1 का फर्स्ट लेटर है यू, फिर 1 है फर्स्ट लेटर है यू, और 7 है तो 7 का फर्स्ट लेटर है एस, तो यू यू एस। तो इस तरह से आप लोग 100 से अधिक जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल जैसे हमने और कर दिया, जैसे आपको अगर किसी ने लिख दिया होता है 116, तो 116 को पढ़िए, 1 को क्या लिखेगा अन पढ़ेंगे, 1 को क्या पढ़ेंगे अन पढ़ेंगे, देख सकते हैं 1 का नाम क्या है अन, फिर 6 है तो 6 का क्या लिखते हैं हेक्स, तो यहाँ पे लिख दिया हमने हेक्स, लगाएंगे सफिक्स आई यू एम, तो अन अन हेक्सियम। सिंबल क्या लिखेगा आप ही बोलिए, तो पहला लेटर लिखेंगे 1 का, तो यू, फिर है 1 तो लिखेंगे यू, और बोल सकते हैं 6 तो 6 का क्या एच, तो यू यू एच। तो इस तरह से आप लोग एटॉमिक नंबर 100 वाले का कहने का मतलब नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी कर सकते हैं। इसको क्या कीजिए दोस्तों, एक दो बार देखते रहिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। हम लोग आगे के पार्ट में कुछ और बेसिक बातें लेकर के आऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, तब तक के लिए क्या धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, शुभकामना।